दोस्तों इस वीडियो में सड़क पर झाड़ू लगाने वाला ये लड़का 15 साल की उम्र तक अपने पिता के साथ लोगों के घरों में माली का काम करता था, मगर 2003 में सारी दुनिया में इसका चर्चा हुआ जब महज 18 साल की उम्र में इसे दुनिया के फेमस फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ले लिया। पुर्तगाल के एक माली का ये बेटा आज दुनिया का सबसे अमीर फुटबॉलर है, जो कि $1 बिलियन से ज्यादा की संपत्ति का मालिक है, और अब ये 35 साल का है। सबसे जबरदस्त बात ये है कि ये लड़का ना सिर्फ अच्छा फुटबॉलर है बल्कि एक अच्छा व्यक्ति भी है। दुनिया भर में कठिनाइयों के मारे बच्चों के लिए हमेशा इसने दिल खोलकर पैसा भी दान किया है। आप में से बहुत से लोग ये भी नहीं जानते कि 15 साल की उम्र में कैसे ये एक बार मौत के मुंह से निकलकर आया। जी हाँ, हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात कर रहे हैं, और आज की इस वीडियो में हम आपको क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में कुछ जबरदस्त बातें बताने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1, क्रिस्टियानो रोनाल्डो 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के खूबसूरत एरिया के मैदिरिया में जन्मे। इनका पिता एक माली था और ये लोग इतने गरीब थे कि इनके घर में एक ही कमरा था। इस कमरे की छत भी टीन की बनी हुई थी और बारिश होने पर इससे पानी भी टपकता था। इनके पिता हमेशा से अमेरिकी अदाकार रोनाल्ड रीगन के फैन रहे, जो कि बाद में अमेरिका के प्रेसिडेंट भी बने। इसी के नाम पर रोनाल्डो का नाम भी रखा गया था, मगर बहुत से लोग ये बात नहीं जानते कि रोनाल्डो का पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सैंटोस एवियरो है। आज बिलियनर बनने के बावजूद भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपना ये पुराना घर नहीं भूला, बल्कि इसने इसे खरीद लिया है और अपने बेटे को हर साल एक दिन इस घर में लेकर जरूर जाता है, ताकि इसे एहसास हो कि इसके बाप ने बहुत मेहनत करके ये सब बनाया है। फैक्ट नंबर 2, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की हमेशा से ये गुड लक रही है। इनको इनके माता पिता की ओर से फुल सपोर्ट मिली है। जब इन्होंने कहा कि मुझे स्कूल नहीं जाना, अब मैं फुटबॉल में ही नाम बनाना चाहता हूँ, तो इसके घर वालों ने इनकी फुल सपोर्ट की। इनके पिता बहुत ज्यादा शराब पीते थे, जिस कारण से इनका लिवर फेल हो गया, और सितंबर 2005 में जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो सिर्फ 20 साल के थे, तो इनके पिता 52 साल की उम्र में इस दुनिया से चले गए। इसी कारण से क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने आज तक कभी शराब नहीं पी और न ही कोई और नशा किया है इन्होंने। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने जिस्म पर कोई टैटू भी नहीं बनवाया है, क्योंकि वे रेगुलरली अपना खून भी डोनेट करते हैं। पुर्तगाल के डॉक्टरों की टीम ने 2008 में रोनाल्डो का एक मेडिकल और फिजिकल टेस्ट करके बताया कि भले इस समय रोनाल्डो 32 साल के हो चुके हैं, मगर इनका जिस्म आज भी एक 24 साल के लड़के का है। फैक्ट नंबर 3, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत इनकी माँ मारिया है। इन्होंने बचपन में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को क्राई बेबी का नाम दिया था, जिसका मतलब है रोने वाला बच्चा। इनके अनुसार रोनाल्डो ने बचपन से फुटबॉल को इतना सीरियसली लिया है कि अगर ये मैच हार जाते तो वही मैदान में बैठकर रोने लग जाते थे, और आज भी ये सीन कभी कभी देखने को मिल जाता है। इनकी माँ इनकी सबसे बड़ी फैन सपोर्टर है। एक दफा रोनाल्डो का मैच देखते हुए परेशानी से इन्हें हार्ट अटैक भी आ गया था। इसी दिन से रोनाल्डो ने सख्ती से मना कर दिया है कि जिस दिन इनका कोई मैच होगा, इनकी माँ मारिया के सामने कोई भी टीवी नहीं लगाएगा। फैक्ट नंबर 4, 2009 में दुनिया भर पर हैरत के पहाड़ टूटे जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो को रियल मैड्रिड क्लब ने मैनचेस्टर यूनाइटेड से खरीदा। ये दुनिया की तारीख का सबसे महंगा किसी खिलाड़ी का एक क्लब से दूसरे क्लब ट्रांसफर था, जहाँ $132 मिलियन में डील डन हुई, जो इंडियन करेंसी में 12,120 करोड़ रूपए बनते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इतने ज्यादा पैसे का क्या किया, तो इसने वही किया जो कोई भी 23 साल लड़का करता है। इसने जिस स्पोर्ट कार का सपना देखा था, वो सारी की सारी खरीद डाली। वैसे दोस्तों, बहुत से लोग मेसी को रोनाल्डो से बड़ा प्लेयर मानते हैं, इस बारे में आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट करके बताएं। फैक्ट नंबर 5, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी जिंदगी का बड़ा लंबा समय फुटबॉल के मैदान पर बिताया है। ये 8 साल की उम्र में बच्चों के क्लब के कप्तान बन चुकी थी, मगर 15 साल की उम्र में जब पुर्तगाल का एक मशहूर क्लब स्पोर्टिंग सीपी ने साइन करने वाला था, तो इनके दिल में एक अजीब सा पेन यानी कि दर्द उठा। डॉक्टर्स ने चेक करके बताया कि इसको दिल की एक गंभीर बीमारी है, अगर ये चाहे तो इसके साथ जिंदा भी रह सकता है, बस फुटबॉल को छोड़ना पड़ेगा इन्हें, वरना इनको दिल की सर्जरी करवानी पड़ेगी, जिसमें इसकी जान भी जा सकती है। रोनाल्डो ने कहा कि मैंने अपनी पढ़ाई को फुटबॉल के खातिर छोड़ दिया था, और अब मैं फुटबॉल को नहीं छोड़ सकता, इसलिए दिल की सर्जरी करवाई इन्होंने, जो कि ठीक रही, और इसी साल इनको पुर्तगाल के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब ने साइन भी किया। फैक्ट नंबर 6, रोनाल्डो की जिंदगी में लड़कियां बहुत कम ही नजर आती है, लेकिन जो भी इनकी जिंदगी में आई, उन्होंने इनका दिल ही दुखाया। 2010 में जब ये अच्छे खासे अमीर हो चुके थे, तो एक दिन इनका मैनेजर इनके पास घबराया हुआ पहुंचा, और इसने बताया कि
एक अमेरिकी लड़की ने तुम्हारे लिए मैसेज भिजवाया है कि वो तुम्हारे बच्चे की माँ बन चुकी है। वे कहती है कि मुझे पैसा पे करो वरना मैं सब कुछ मीडिया के सामने ले आऊंगी और तुम्हें एक्सपोज करके तुम्हारा ये कैरियर खत्म कर दूंगी। रोनाल्डो ने अपने मैनेजर से कहा कि बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाओ कि ये रियल में मेरा बच्चा है और ये डीएनए टेस्ट भी पॉजिटिव आया। इस लड़की ने अपना मुंह बंद करने के लिए $5 मिलियन मांगे थे रोनाल्डो से और इन्होंने इसे $20 मिलियन का चेक भिजवाया, मगर शर्त ये थी कि वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करके देंगी कि वो कभी भी बच्चे से कॉन्टेक्ट नहीं करेंगी। इस लड़की ने ऐसा ही किया, मगर दुनिया की सारी दौलत भी एक माँ से उसकी ममता नहीं खरीद सकती। कुछ ही साल बाद वो लड़की रोती हुई फिर आ गई कि मैंने $3 मिलियन खर्च किए हैं और बाकी के $17 मिलियन ले लो, मगर मुझे मेरे बच्चे से मिलने दो, मगर अब काफी देर हो चुकी थी। फैक्ट नंबर 7, इसके बाद रोनाल्डो की जिंदगी में एक और हसीना आई जिसका नाम था आइरिना शेक। ये एक रशियन मॉडल है। रोनाल्डो और इसकी जोड़ी सारी दुनिया को पसंद भी आई, मगर 2015 में आखिरी ये जोड़ी भी टूट गई। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों अगर आप समझते हैं कि पैसे से इंसान हेल्थ और खूबसूरती नहीं खरीद सकता तो एक बार फिर सोच लें। रोनाल्डो जब गरीब था तो ऐसा दिखता था और अब ऐसा दिखता है। इसने बहुत होशियारी से अपनी छोटी छोटी सर्जरीज करवाई है। ना सिर्फ इसने टेढ़े मेढ़े दांत सुपर परफेक्ट करवा लिए हैं बल्कि इसकी टेढ़ी नाक भी अब काफी सुंदर नजारा पेश करती है। फैक्ट नंबर 9, रोनाल्डो अपनी ऊंची छलांग की वजह से फुटबॉल की दुनिया में जाना जाता है और 2011 में कुछ साइंटिस्ट ने इसका एक्सपेरिमेंट किया कि ये कितनी ऊंची छलांग लगा सकते हैं। अगर खड़े खड़े रोनाल्डो उछले तो ये 45 सेंटीमीटर तक उछल सकते हैं और अगर थोड़ा सा भाग कर फिर उछले तो ये 80 सेंटीमीटर तक उछल सकते हैं। इतनी ऊंची छलांग तो बास्केटबॉल के प्रोफेशनल प्लेयर्स भी नहीं लगा पाते। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों तस्वीर में नजर आने वाला ये लड़का अल्बर्ट फेंट्रो है। वैसे तो ये रोनाल्डो का सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन रोनाल्डो इसे आज तक तोहफे में महंगी कारें, बंगले, बिजनेसेस और बहुत कुछ दे चुके हैं, क्योंकि दोस्तों रोनाल्डो आज जिस मुकाम पर खड़े हैं इसमें अल्बर्ट फेंट्रो का बहुत बड़ा हाथ है। ये दोनों एक ही साथ फुटबॉल खेला करते थे। एक दिन ब्राजील के सबसे बड़े क्लब स्पोर्टिंग सीपीएन के ऑफिशियल ट्रायल्स लेने थे। उन्होंने एक लड़का सिलेक्ट करके लेकर जाना था। शर्त ये थी कि आज के मैच में जो सबसे ज्यादा गोल करेगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। रोनाल्डो की टीम ये मैच 3-0 से जीत गई। यहाँ पर पहला गोल रोनाल्डो ने किया और दूसरा गोल इसके दोस्त अल्बर्ट ने किया। तीसरे गोल के समय अल्बर्ट गोलकीपर को डॉच करके गोल तक पहुँच गए, मगर इसने बॉल को रोनाल्डो को पास कर दिया जिसने दूसरा गोल किया और इसी तरह से ये सिलेक्ट हो गए। जब अल्बर्ट से पूछा गया कि इसने खुद गोल क्यों नहीं किया तो इसने जवाब दिया कि मैं जानता था कि रोनाल्डो मेरे से ज्यादा बेहतरीन प्लेयर है। दोस्तों इसे कहते हैं सच्चा दोस्त। दोस्तों रोनाल्डो की कहानी इस बात का सबूत है कि अगर आप अपनी फील्ड में सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग है तो जीत आपका मुकद्दर बन जाती है।